तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सैचुरेटेड स्टीम के बारे में बहुत डिस्कशन किया। वहाँ पे हम स्टीम टेबल से सैचुरेटेड स्टीम के लिए एक गिवन प्रेशर पे वैल्यूज भी निकाले, लेकिन सुपरहीटेड स्टीम का बात थोड़ी डिफरेंट है। सुपरहीटेड स्टीम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कुछ ऐसा आता है दोस्तों, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सी माइनस पी प्लस टू सी वन होगा, पी नंबर ऑफ फेजेस, सुपरहीटेड स्टीम के लिए वन ही फेज होगा क्योंकि सुपरहीटेड स्टीम सिर्फ वेपर फॉर्म ही रहता है, तो इसलिए वन होगा। सैचुरेटेड स्टीम के लिए हम लोगों ने देखा था कि पी टू होता है क्योंकि सैचुरेटेड स्टीम के लिए वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सुपरहीटेड स्टीम के लिए सिर्फ वेपर फेज ही रहता है, इसलिए पी वन है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों को टू मिल रहा है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि आपको सुपरहीटेड स्टीम का जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब निकालने के लिए आपको प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों वेरिएबल्स एक साथ लगेगी ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के लिए। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले सपोज हम लोगों का क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि हम लोगों को एट प्रेशर इक्वल्स टू 0.3 बार, जब प्रेशर 0.3 बार है और टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब हमको पूछा गया है कि एंथैल्पी निकालने के लिए एच का वैल्यू कितना होगा, ये है हम लोगों का क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टीम टेबल में मैं सुपरहीटेड स्टीम टेबल में देखूंगा कि प्रेशर 0.3 और टेम्परेचर 350 मुझे कहाँ पे मिल रही है। तो एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो डेटा मुझको दिया हुआ है वहाँ प्रेशर 0.3 बार है ही नहीं, तो हम कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम फिर भी बहुत आसानी से सॉल्व होगा। जब टेम्परेचर 350 डिग्रीज है वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी 350 हम लोगों को नहीं मिल रही, तो हम लोग 350 के ऊपर का वैल्यू और नीचे की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया है 300 और 400 के 400 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इन वैल्यूज को मैं लिखता रहूँगा। पहले मैं प्रेशर इक्वल्स टू 0.1 बार के लिए मेरा कैलकुलेशंस करूँगा। तो यहाँ पे चलिए कैलकुलेशंस हम लोग करते रहते हैं। पहला नंबर वन देंगे इसको, प्रेशर इक्वल्स टू 0.1 बार। तो प्रेशर इक्वल्स टू 0.1 बार में हम पहले अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम इनिशियल टेम्परेचर लिखेंगे जो कि है 300। 300 में एंथैल्पी है 3077। अब 400 में, 400 डिग्रीज में एंथैल्पी है 3280। अब जब टेम्परेचर है 350 तब हमको एंथैल्पी निकालना है जो कि है एज। तो एज का वैल्यू हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे। पहले हमको ये 3077 लिखना है जो कि लोअर लिमिट है, और इसमें ऐड कर देना है टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा वो है 350 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 300। ये वही इंटरपोलेशन का टेक्निक है जो हम लोगों ने सैचुरेटेड स्टीम के लिए यूज़ किया था, इंटू 3280 माइनस 3077। अगर आप लोगों ने वो सैचुरेटेड स्टीम वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा तो कि आप लोग थोड़ा टाइम लेके वो वीडियो देख ले। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद एज का वैल्यू आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, 3178.5 किलो जूल पर केजी। ये आता है एज का वैल्यू 0.1 बार और 350 डिग्री सेंटीग्रेड में। मैं यहाँ लिख देता हूँ एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट जो कि प्रेशर इक्वल्स टू, एट प्रेशर इक्वल्स टू 0.5 बार। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्रेशर इक्वल्स टू 0.5 बार में भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। मैं फिर से ये पार्ट करता रहूँगा ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 300 में, 300 डिग्रीज में जो एंथैल्पी का वैल्यू मिल रहा है वो है 3076 और 400 डिग्रीज में जो एंथैल्पी का वैल्यू मिल रहा है वो है 3279। अब बीच में जो 350 है वहाँ पे एंथैल्पी का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, वो हम इंटरपोलेशन करके निकालेंगे फिर से। एच इक्वल्स टू बेस एंथैल्पी पहले लिखेंगे जो कि 3076 है, प्लस
टेम्परेचर का हम डिफरेंस लेंगे 350 माइनस 300 बाई टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 400 माइनस 300, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग टोटल एंथैल्पी डिफरेंस के साथ 3279 माइनस 3076। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको एंथैल्पी मिलेगा 3177.5 किलो जूल पर केजी। तो ये भी हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग प्रेशर को एडजस्ट करेंगे। देखिए, हम लोगों का टारगेट है कि टेम्परेचर 350 डिग्रीज होना चाहिए और प्रेशर 0.3 बार। तो अब हम लोगों को पता है कि जब प्रेशर 0.1 बार है, मैं यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जब प्रेशर, मैं ये थोड़ा और कलर से करूँगा, जब प्रेशर 0.1 बार है, जब प्रेशर है 0.1 बार, तब हम लोगों को एंथैल्पी मिला 3178.5 किलो जूल पर केजी। और जब प्रेशर है 0.5 बार, जब प्रेशर है 0.5 बार, तब हमको एंथैल्पी मिला 3177.5 किलो जूल पर केजी। यहाँ पे भी मैं किलो जूल पर केजी लिख देता हूँ। तो अब मुझको निकालना है कि जब प्रेशर 0.3 बार है, जब प्रेशर 0.3 बार है, तब एंथैल्पी का वैल्यू कितना है। ये सब एनालाइज करके हम लोगों ने किया है 350 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो टेम्परेचर हम लोगों ने फिक्स ऑलरेडी कर दिया, तो इसीलिए टेम्परेचर के बारे में अब हम लोग नहीं सोचेंगे और एच निकालेंगे। एच इक्वल्स टू, वैसे ही पिछली बार की तरह, बेस एंथैल्पी जो कि 3178.5 होगा, यहाँ पे प्लस साइन ही देंगे हम। और अब हम प्रेशर का डिफरेंस लेंगे 0.3 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 0.1 इनटू टोटल एंथैल्पी डिफरेंस। देखिए, फाइनल माइनस इनिशियली करेंगे हम, जो अगर नेगेटिव आना है तो आने दे, क्योंकि वो नेगेटिव यहाँ एल्गोरिदम में घुस के हमें जो सही एच है उसका वैल्यू ही देगा। तो नेगेटिव का चिंता हम लोग एकदम नहीं करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को एंथैल्पी का वैल्यू, ये जो 3177.5 माइनस 3178.5 है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमको एक नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये पूरा चीज़ करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा दोस्तों, माइनस 0.5, जो करने के बाद हमारा एंथैल्पी होगा 3178 किलो जूल पर केजी। देख सकते हैं आप लोग कि ये 3178 किलो जूल पर केजी भी ये अंदर ही लाई करता है इन दोनों के रेंज के बीच। तो ये है हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर कि जब प्रेशर इक्वल्स टू 0.3 बार होगा और टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब हमारा एंथैल्पी होगा 3178 किलो जूल्स पर केजी, 3178 किलो जूल्स पर केजी। तो इसी के साथ हम स्टीम टेबल्स का ये सीरीज यहीं ख़त्म करेंगे। आपको, हमें उम्मीद है कि ये सुपर हीटेड स्टीम और सैचुरेटेड स्टीम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया। थैंक यू।